नमस्कार, आइए आनंद लेते हैं साईं बाबा व्रत कथा का। कोकिला बहन और उनके पति महेश भाई शहर में रहते थे। दोनों में एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव था, परंतु महेश भाई का स्वभाव झगड़ालू था, बोलने की तमीज ही नहीं थी। पड़ोसी उनके स्वभाव से बहुत परेशान थे, लेकिन कोकिला बहन बहुत ही धार्मिक स्त्री थी, भगवान पर विश्वास रखती थी, बिना कुछ कहे सब कुछ सह लेती थी। धीरे धीरे उनके पति का धंधा रोजगार ठप हो गया, कुछ भी कमाई नहीं होती थी। महेश भाई अब दिन भर घर पर ही रहते, और अब उन्होंने गलत राह पकड़ ली। अब उनका स्वभाव पहले से भी अधिक चिड़चिड़ा हो गया। दोपहर का समय था, एक वृद्ध महाराज दरवाजे पर आकर खड़े हो गए। उनके चेहरे पर गजब का तेज था, और आकर उन्होंने दाल चावल की मांग की। कोकिला बहन ने दाल चावल दिए और दोनों हाथों से उस वृद्ध बाबा को नमस्कार किया। वृद्ध ने कहा, साईं सुखी रखे। कोकिला बहन ने कहा, महाराज सुख किस्मत में नहीं है, और अपने दुखी जीवन के बारे में बताने लगी। महाराज ने श्री साईं के व्रत के बारे में बताया, 9 गुरुवार फलाहार या एक समय भोजन करना, हो सके तो बेटा साईं मंदिर जाना, नहीं तो घर पर साईं बाबा की 9 गुरुवार पूजा करना, साईं व्रत करना और विधि से उद्यापन करना, और भूखों को भोजन करवाना। साईं व्रत की किताबें 5, 11, 21 यथाशक्ति लोगों को भेंट देना, और इस तरह साईं बाबा के व्रत का फैलाव करना। साईं बाबा तेरी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे, लेकिन साईं बाबा पर अटूट श्रद्धा रखना जरूरी है, धीरज रखना चाहिए। जो उपरोक्त विधि से व्रत और उद्यापन करेगा, साईं बाबा उनकी मनोकामना जरूर पूर्ण करेंगे। कोकिला बहन ने भी गुरुवार को व्रत किया, 9वें गुरुवार को गरीबों को भोजन करवाया, साईं व्रत की पुस्तकें भेंट दी। उनके घर में झगड़े होने खत्म हो गए, और घर में सुख शांति आ गई। जैसे महेश भाई का स्वभाव ही बदल गया हो, उनका धंधा रोजगार फिर से चालू हो गया। थोड़े समय में ही सुख समृद्धि बढ़ गई, दोनों पति पत्नी सुखी जीवन बिताने लगे। एक दिन कोकिला बहन के जेठ जेठानी सूरत से आए, बातों बातों में उन्होंने बताया कि उनके बच्चे पढ़ाई नहीं करते, परीक्षा में फेल हो गए हैं। कोकिला बहन ने 9 गुरुवार की महिमा बताई, साईं बाबा की भक्ति से बच्चे अच्छी तरह अभ्यास कर पाएंगे, लेकिन उसके लिए साईं बाबा पर विश्वास रखना जरूरी है। साईं सबकी सहायता करते हैं, उनकी जेठानी ने व्रत की विधि बताने के लिए कहा। कोकिला बहन ने कहा कि 9 गुरुवार फलाहार अथवा एक समय भोजन करके यह व्रत किया जा सकता है, और 9 गुरुवार तक हो सके तो साईं मंदिर के दर्शन के लिए जाना, और कहा कि यह व्रत स्त्री पुरुष या बच्चे कोई भी कर सकते हैं। 9 गुरुवार साईं की फोटो की पूजा करना, फूल चढ़ाना, दीपक अगरबत्ती जलाना, इन सब चीजों से साईं की पूजा करना और फिर प्रसाद चढ़ाना, साईं बाबा का स्मरण करना और फिर आरती करना, साईं व्रत कथा, साईं स्मरण, साईं चालीसा आदि का पाठ करना, 9वें गुरुवार को गरीबों को भोजन देना, 9वें गुरुवार साईं व्रत की किताबें अपने सगे संबंधियों आस पड़ोसियों को भेंट देना। सूरत से उनकी जेठानी का थोड़े दिनों में पत्र आया कि उनके बच्चे साईं व्रत करने लगे हैं और बहुत अच्छी तरह से पढ़ते हैं। उन्होंने भी व्रत किया और व्रत की किताबें जेठ के ऑफिस में दी थी। इस बारे उन्होंने लिखा कि उनकी सहेली की बेटी की शादी साईं व्रत करने से बहुत ही अच्छी जगह हो गई। उनके पड़ोसी का गहनों का डिब्बा गुम हो गया था, वह महीने के बाद गहनों का डिब्बा ना जाने कौन वापस रख गया। ऐसा अद्भुत चमत्कार हुआ था कि कोकिला बहन ने साईं बाबा की महिमा महान है यह जान लिया था।
हे साई बाबा, जैसे सभी लोगों पर प्रसन्न होते हैं, वैसे ही हम सब पर भी होना और सब कथा सुनने वालों की सारी मनोकामनाएं पूरी करना। आइए मिलकर बोलते हैं साई मंत्र। ओम साई नमो नमः, श्री साई नमो नमः, जय जय साई नमो नमः, सद्गुरु साई नमो नमः।